मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवा। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से सोच नहीं कर रहा था। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगा, नहीं तो यार जाने के सुभाष घई ने की फाइनल कास्टिंग। क्यों सुभाष घई को संजय दत्त के साथ काम करना लगता है मुश्किल? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो 39 इयर्स पहले की सुपर हिट फिल्म विधाता है और उसके आने वाले दूसरे पार्ट के बारे में। वैसे 39 इयर्स की पहले की बात करें तो एक फिल्म पर आज एक सीक्वल बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की ऑडियंस शायद ही इस फिल्म से और कलाकारों से उतनी वाकिफ हो। पर अभी डायरेक्टर सुभाष घई ने सीक्वल बनाने का फैसला तो ले लिया जिससे वो आज की ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सके। वैसे हमने विधाता फिल्म में देखा कि कैसे शमशेर सिंह अपने पोते कुणाल की देखभाल करते हुए उससे उसकी पिता की हत्या का सच छुपाते हैं। जब कुछ सालों बाद कुणाल को दुर्गा नाम की लड़की से प्यार होता है, उसे ना काम करने में भी उससे दादाजी का ही हाथ होता है और फिर सीक्रेट पर से पर्दा हटाना शुरू होता है जिससे कुणाल को अपने दादाजी की असली सच्चाई पता चलती है। इसमें कुणाल बनी थी संजय दत्त, दुर्गा बनी थी पद्मिनी कोल्हापुरे और शमशेर सिंह बनी थी लेट एक्टर दिलीप कुमार। तो क्या विधाता 2 के लिए भी इन्हीं एक्टर्स को चुना गया है? तो क्या नई कास्टिंग भी हो सकती है? तो आपको बता दें कि फाइनल कास्टिंग में सिर्फ 2 ही नाम सामने आए हैं, एक है संजय दत्त और दूसरा है टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर एक अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। किसी के भी किरदार या कहानी के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, पर जल्द ही इसका भी खुलासा होगा। कुछ दिनों पहले सुभाष जी ने संजू बाबा से जुड़ी एक खास बात को भी रिवील किया। दरअसल संजय एक मशहूर हीरो जरूर है, पर उनका बात करने का तरीका कभी सही नहीं होता था। इस फिल्म के दौरान उनका सेट पर बर्ताव काफी गलत था, जिसकी वजह से उन्हें सुभाष जी से एक थप्पड़ भी खाना पड़ा। वहीं किसी भी बात की नहीं सुनते थे। उन्हें समझाने के लिए और उनके साथ काम करने में पद्मिनी जी को भी काफी परेशानी हुई थी, क्योंकि उनका एटीट्यूड काफी गलत था। खैर, इतने सालों बाद संजू बाबा वही गलती नहीं दोहराएंगे, ऐसी हम उम्मीद तो कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि टाइगर के साथ कौन सी एक्ट्रेस आएंगी नजर उनके अपोजिट? वेल, फैंस तो श्रद्धा कपूर को फिल्म में देखना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले भी टाइगर के साथ बागी और बागी 3 में काम किया है और वो उतना ही तगड़ा एक्शन दिखा चुकी है। श्रद्धा ने पहले ही अपने खूबसूरत अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया है, तो उनकी जोड़ी पर्दे पर काफी खूब दिखती है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताएं आपको दोस्तों, विधाता की लीड हीरोइन दुर्गा यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अपने खूबसूरत अंदाज से संजू बाबा के साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई थी। वो श्रद्धा की मौसी हैं और श्रद्धा भी उनकी तरह ब्यूटी क्वीन है,